Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achievers. So here it is 20th July 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. Okay, before starting the news analysis, just take a daily five remember, and it is a self reminders at all. You have to think these five things at the starting of your day so that you can get a positive energy or you can be a successful, it could be a successful day of your life. Okay, so these five things are: I am amazing, always think like this, always remind yourself that yeah, you are amazing and you can do anything with your positive energy. Don't ever give up. And after going through all these four points, all these four ways, you will definitely be successful. These are the five reminders, self reminders that you have to carry in your mind at all the times. And even in early in the morning, you should go through all these five reminders in your life, because these are the basic, you know, these are the basic aim of success, or I can say these are the basic pillars of your success. So don't forget to remind all these five self reminders so that you can be a successful person of your life. Okay, so we are going to take the news analysis of today's. The first news is: states, union territories differ on date for reopening schools. As you all know ki schools abhi open nahi hue hain, schools, universities, कॉलेजेस जो हैं वो अभी ओपन नहीं हुए हैं, उन्हीं के चलते जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है सरकार द्वारा कि अभी भी जो डिसीज़न है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पर ही डाला है सरकार ने स्कूल्स ओपन करने का, अकॉर्डिंग टू देयर केसेस. जिस तरह के केसेस हैं और जिस तरह की सिचुएशन है उसके बेसिस पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज खुद ये डिसाइड करेंगी कि उनको स्कूल्स ओपन करना है यानी और कब करना है ना. तो उसी के चलते करीब आधे से ज़्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं, इवन जो कोविड 19 हॉटस्पॉट हैं जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि स्कूल को कब रीओपन करना है. ठीक है, एंड द सेंटर वॉज टोल्ड टू अ मीटिंग दिस वर्क. सेंटर ने बताया था कि इस बारे में जो है इसी हफ्ते जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी. The remaining states are split between those willing to reopen the school in August, which includes Delhi and Bihar. जो कि 31st जुलाई से जिनका परामर्श है वो है असम. आप देख सकते हैं, असम wants to start or reopen the school by 31st जुलाई. Other than this, Delhi, Haryana, Bihar, Chandigarh, इन सभी का मानना है कि अगस्त में ही स्कूल रीओपन हो जानी चाहिए. वहीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश एंड उड़ीसा, इनका ये मानना है कि सितंबर इज़ अ गुड टाइम टू ओपन द स्कूल. वहीं अंडमान निकोबार आइलैंड ले लीजिए, छत्तीसगढ़, दादरा नगर, मिजोरम, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, एमपी, मेघालय, झारखंड, गोवा, गुजरात, दमन दीव, ये जितनी भी जगह हैं इन सब का ये कहना है, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर सेइंग दैट अभी हमने ये चीज़ डिसाइड नहीं किया है कि हमें कब स्कूल ओपन करना है. ठीक है, स्कूल जो है ये डिसाइड ज़रूर हो गया है इस मीटिंग के बाद में कि अगस्त एंड तक जो है वो स्कूल क्लोज रहेगी. अभी अगस्त तक स्कूल्स ओपन नहीं होंगी. इट इज़ ऑल डिसाइडेड. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस या डिजिटल एजुकेशन जो है ऑलरेडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जा रही है. उसी के चलते जो भी मेजर जो टेक्निक्स को यूज़ लेते हुए, टेक्निकल या टेक्नोलॉजी को यूज़ लेते हुए जो भी चीज़ें की जा सकती है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इवन स्कूल्स प्रोवाइड करवा रही हैं. बट इसके अलावा अभी ये डिसीज़न नहीं हो पाया है कि स्कूल्स को कब रीओपन किया जाना चाहिए. और जैसा कि डेली स्पाइक देखने को मिल रहा है कोविड 19 के केसेस में, उसको देखते हुए अभी स्कूल्स को रीओपन करना इवन अगस्त तक, इट इज़ नॉट कंपैटिबल, और आई कैन से दिस इज नॉट राइट टू ओपन और करेक्ट टू ओपन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ यूएन ड्राफ्ट डिक्लेरेशन गोज सॉफ्ट ऑन डिमांड फॉर रिफॉर्म्स. प्रोसेस ऑफ मेंबरशिप एक्सपांशन लाइकली टू स्लो डाउन.
Despite India's repeated demands for reforms of the UN Security Council, the process of the explanation of the membership is expected to slow down this year with the final draft of the declaration on the commemoration of the 75th anniversary of the UN. आपको पता होगा 75th anniversary जो है UN की, उसके चलते इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की, जिसके चलते अभी रिसेंटली जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें इंडिया भी जो है पार्ट बना था. उसके तहत जो है इंडिया काफ़ी, देखिए इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत जो है रिफॉर्म की डिमांड्स काफ़ी रिपीटेडली देखी जा रही है इंडिया की तरफ से. बट हेयर इन दिस पर्टिकुलर सेशन दिस वाज नॉट हैपन एंड इट वाज द प्रोसेस ऑफ द एक्सपांशन ऑफ द मेंबरशिप इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन दिस ईयर. इवन इस साल जो है वो एक्सपांशन, मेंबर्स का एक्सपांशन जो है उसका प्रोसेस को भी स्लो डाउन किया जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है. द 2005 रिजोल्यूशन हैड एक्सप्रेस्ड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल विल टू स्टॉप मिसयूज ऑफ मिलिट्री पावर एंड सेड वी आर डिटरमाइंड टू री इन्वेगरेटेड द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनियन नेशंस टू अडोप्ट दैम टू द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी. ओके, फाइनल ड्राफ्ट फॉर द अपकमिंग UNGA इज ऑल्सो अ स्टेप डाउन फ्रॉम द रिजोल्यूशन अडोप्टेड बाई द जनरल असेंबली ऑन September 16, 2005 when the call for the reform was demanded against the backdrop of widespread unilateral decisions as seen during the Iraq war of 2003 and the war on terror. Basically all it is jo pura ye discussion hai, it is all about कि यूएन में जो डिमांड की जा रही है रिफॉर्म्स की, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट डाउन होते हुए, स्लो डाउन होते हुए नज़र आ रही है. बिकॉज उसको, उससे जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो इस साल जिस जो मेंबर्स को जो एंगेज किया जाता है, जो मेंबर्स को एक्सपेक्ट किया जाता है मेंबरशिप जो एक्सपांशन की, वो भी स्लो डाउन देखा गया है. उसके चलते हम ये कह सकते हैं कि इस साल जो प्रोसेस है मेंबरशिप का, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट आर्ट इज़ बेस्ड ऑन एंटी टॉर्चर लॉ. बेसिकली है क्या ये, जो अभी रिसेंटली हमने देखा, रिसेंट एक्टिविटी देखी थी हमने, कि तमिलनाडु में जो है पिता पुत्र की कस्टडी में ही डेथ हो गई थी और टॉर्चर बेसिस पर डेथ हुई थी, ऐसा देखा गया था और ऐसा माना गया था. तो उसी के चलते इस आर्टिकल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वाई अ सेपरेट एंटी टॉर्चर लॉ. देखिए बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं ऑलरेडी, जो कस्टडी में है जो मुजरिम है उनके लिए भी काफ़ी लॉज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स के लिए भी काफ़ी लॉज हैं, ओवरऑल काफ़ी लॉज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, है ना. तो क्यों हमें एंटी टॉर्चर लॉ की ज़रूरत है, व्हाई इट इज़ द नीड ऑफ आर, हमारी एट प्रेजेंट इस घंटे की ये क्यों हमारी नीड है, ज़रूरत है कि एक एंटी टॉर्चर लॉ क्रिएट किया जाए, है ना. तो ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि काफ़ी सारे ऑलरेडी रिकमेंडेशंस चल रहे हैं जो अलग वेरियस कमीशंस के, उसके चलते उसके बावजूद भी हमें क्यों इस समय एंटी टॉर्चर लॉ की रिक्वायरमेंट है. तो उसका कारण ये है कि देखिए जिस तरीके से कंटिन्यूस कस्टडियल डेथ ले लीजिए या अदर जो केसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लॉज जो है वो एसेंशियल है, या कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ की नीड है, है ना. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू एग्जामिन वेदर द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ इन एडिक्वेट टू डिटर इंसिडेंसेस ऑफ कस्टडियल टॉर्चर. कस्टडी में हो रहे टॉर्चर जो है उनको रोकने के लिए एट प्रेजेंट जो बने, या उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको डिटरमाइन करने के लिए एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग लॉज बने हुए हैं, जो चल रहे हैं केस ऑलरेडी, लॉज जो अभी एग्जिस्टिंग है, वो लॉज किस हद तक कार्य कर रहे हैं, कितना इम्पॉर्टेंट है उन लॉज का वर्कआउट या उन लॉज का वर्क, है ना. टॉर्चर इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड बट द डेफिनेशंस ऑफ हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट आर क्लियरली लेड डाउन.
देखिए टॉर्चर जो है उसे डिफाइन नहीं किया गया है, हमारे टॉर्चर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, किसी भी पैनल कोड इंडियन पैनल कोड के अंदर टॉर्चर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन उसकी जगह पे जो अदर डेफिनेशंस यूज़ ली गई है हर्ट की, ग्रीवियस हर्ट की, तो इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है टॉर्चर से। अब हमें क्योंकि ये सारी डेफिनेशंस दी गई है हर्ट की या ग्रीवियस हर्ट की या अदर जो दी गई है डेफिनेशंस, इन सब डेफिनेशंस के चलते भी इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि कस्टडी में काफ़ी टॉर्चर हो रहा है। तो समवेयर द वर्ड टॉर्चर इज़ मिसिंग, इसलिए हमें एंटी टॉर्चर लॉ की रिक्वायरमेंट है ना। 262nd लॉ कमीशन रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट द डेथ पेनल्टी बी अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस। ऐसा 262nd लॉ कमीशन जो बनाया गया उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की है कि और ये रिकमेंडेशन दिया है कि ओनली एक्सेप्ट हम बात करें टेररिज्म रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसके अलावा कोई भी एक्टिविटी हो जाती है देश के भीतर तो उसके लिए डेथ पेनल्टी पे नहीं किए जाने चाहिए। मतलब उस पर्टिकुलर बंदे को जो है डेथ जो है और ये डेथ की सज़ा या मौत की सज़ाए मौत जो है नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसा पैनल कोड का 262nd लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अंदर रिकमेंड किया गया है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द डेथ पेनल्टी और पनिशमेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन लाइव्स बिकॉज ह्यूमन लाइव्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर लॉ। सो दैट्स वाई वी नीड अ एंटी टॉर्चर लॉ, इट इज़ अर requirement as of now, as of day, as of this hour, we required a anti-torture law, okay? So it is all about it and इसके अलावा और भी काफ़ी सारे issues जो हैं वो इस particular article में discuss किए गए हैं कि क्यों इनकी ज़रूरत है, क्यों ऐसा discuss किया जा रहा है, क्यों ऐसा दिमाग में आता है हमारे, इसके अलावा ये कहाँ से, इस problem की जड़ क्या है। तो इस problem की जड़ की अगर बात की जाए तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दीपक गुप्ता ने ये बताया है कि वी फर्स्ट नीड टू इम्प्लीमेंट द लॉ एज वी हैव इट। पहले तो हमारे पास जो लॉज हैं हमें उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि वो भी ठीक से अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं है। द इन्वेस्टिगेशंस एंड द प्रोसिक्यूशंस आर नॉट फेयर, दीज मस्ट बी रेक्टिफाइड फर्स्ट ही सेड। उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस प्रोसिक्यूशंस ये भी अभी तक क्लियर नहीं है तो पहले सबसे पहले तो हमें इन्हें इम्प्लीमेंट करके इनसे एक क्लियर आउटकम की ज़रूरत है, उसके बाद में हम जो है पुलिस ऑफिसर्स को और भी ज़्यादा बेटर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा उन्हें साइंटिफिक स्किल्स से रिप्लेस करना होगा, उनकी जो मेथड्स है उन्हें साइंटिफिक स्किल्स से रिप्लेस करना होगा। Thus, the need of the hour is to strike at the root cause of the problem. Basically, अभी ये ज़रूरत है कि anti-torture law के से पहले हमें ये ज़रूरत है कि at least हम इस problem की जड़ों तक जाएं कि कहाँ से ये शुरू हो रही है ना, और इस तरह के केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं या पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस सर्विसेज के अंदर, पुलिस सिस्टम के अंदर इतने लैक्स क्यों देखने को मिल रहे हैं या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें इतना जो है एंटी टॉर्चर लॉ या इतना बड़ा एक जो कस्टडियल डेथ से रिलेटेड जो इतना बड़ा मुद्दा है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या रीज़न है, रूट प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिकली इस प्रॉब्लम की जो बेसिक जड़ें हैं उसके कॉजेज क्या क्या हैं, वो जड़ें क्या है और क्यों है और बेसिक कारण क्या है इन चीज़ों के, उन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत है और उसके बाद में एक डिफरेंट लॉ की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट एंटी टॉर्चर लॉ। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज पॉलिसी रीट्रीट, ट्रंप मस्ट डिलीवर ऑन जॉब, नॉट एंगेज इन रिटोरिक on visas to stay in office. Basically this article is based on recent जो H-1B visas और जो other visas जो US के अंदर Trump द्वारा जो है जिनको ban कर दिया गया है, जिसके through लोगों को ban कर दिया गया है वहाँ job करने के लिए, even जो है enter होने के लिए US में भी कुछ दिक्कत आ रही थी। तो इन सब के चलते हुए ये सारी चीज़ों पर based ये article है policy retreat, कि ट्रंप को जो है एज ऑफ नाउ उन्हें जॉब डिलीवर करने की ज़रूरत है, ना कि वीज़ाज पर अपना ध्यान, लोगों का ध्यान हटाते हुए खुद जो है इस पर
सेफ होने की ज़रूरत है. बेसिकली अभी काफ़ी इश्यूज ऑलरेडी US पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, उन सबको देखते हुए रिसेंट एक नया इशू भी देख सामने आया है जिसके तहत जो है ट्रंप ने वीज़ा बैन करने की बात कही है. दी मार्केट फोर्सेस इवन कर भी दिया गया है वहाँ पे. मार्केट फोर्सेस एंड द कॉमन सेंस अपीयर टू ट्रंप ओवर नैरो माइंडेड इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म इन द US ऑन स्टूडेंट्स वीज़ा. स्टूडेंट्स के वीज़ा को जो जिस तरीके से बैन किया गया है ट्रंप के द्वारा, वो अपने आप में एक जो है बहुत ही कमी, या हम कह सकते हैं बहुत ही जो माइनर पॉइंट शो करता है ट्रंप का. ट्रंप जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी वहाँ क्रिएट हो रही हैं. उसी के चलते रिसेंट जो है इमिग्रेशन पॉलिसी की भी प्रॉब्लम सामने आई थी, दैट इट वुड नो लॉन्गर इशू वीज़ास टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल ऑनलाइन कॉम्पोनेंट्स स्टार्टिंग इन द फॉल 2020 सेमेस्टर. देखिए बेसिकली रिसेंटली अभी जो है ट्रंप ने ये कहा कि H-1B वीज़ा एंड अदर जो वीज़ाज हैं उनको स्टॉप कर दिया है. उनको अभी एज ऑफ नाउ फॉर नेक्स्ट 6 months और 1 year हम लोग स्टॉप कर रहे हैं. हम किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देंगे, और जो स्टूडेंट्स एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस जो है अपीयर कर दी जाएगी, अवेलेबल करवा दी जाएगी. कोई भी जो है अदर एडमिशन, फर्दर एडमिशन्स या अदर वीज़ाज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे. तो ये सारा इशू चल रहा है, उसी को पॉलिसी को फिर से रिट्रीट करने की ज़रूरत है, पॉलिसी पर कार्य करने की ज़रूरत है. ट्रंप को ऐसी पॉलिसीज़ को क्रिएट करना होगा जो ना कि देश में या अन्य देशों के साथ में, या स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम और पॉलिटिक्स या डेमोक्रेसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करे, बल्कि ऐसे सिस्टम को की रिक्वायरमेंट है जो एक स्ट्रॉन्ग जो है कमिटी बिल्डअप करने में हेल्प कर सके. सो ये जो आर्टिकल है ये पूरा उसी पर बेस्ड है कि ऑलरेडी कितने स्टूडेंट्स जो है वीज़ा बेस्ड जो स्टूडेंट्स है ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स अपोज कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, और कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है कोविड के चलते इस उन पर जो है इसका इफेक्ट देखा गया है. तो ये सारी चीज़ें उसी पर बेस्ड है, ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है. ओके, एक आर्टिकल जो रह जाता है वो ये है कि मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड, इंडियाज प्लान ऑफ फॉर नेवल कोएलिशन इन बिल्डिंग अलोन विल नॉट क्रेडिबल डिटर चाइनाज मिलिट्री पावर इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में जो चाइना का मिलिट्री पावर है उसको देखते हुए जो है इंडिया का जो प्लान है नेवल कोएलिशन का, नेवल कोएलिशन बिल्डअप करने का, वो अकेले ही तो वो कहीं ना कहीं जो है क्रेडिबल नहीं है. इस पर बेस्ड है ये आर्टिकल, मालाबार के बारे में ये पूरा आर्टिकल है. मेक द राइट कॉल ऑन मालाबार गोइंग क्वाड एंड हेयर देयर इज स्पेक्यूलेशन इन द मीडिया दैट न्यू दिल्ली कुड सून इनवाइट ऑस्ट्रेलिया टू जॉइन द मालाबार नेवल एक्सरसाइज. मालाबार जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं उसके लिए, उसकी एक्सरसाइजेज के लिए, उसको एक्सरसाइज करने के लिए जो है जल्दी ही जो इंडिया है वो ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करेगा. और रिपोर्ट्स के मुताबिक मोस्ट रिसेंट बीइंग संडे, अभी संडे को रिसेंटली जो द हिंदू का पेज था फर्स्ट पेज पे 19 जुलाई का, अ की मीटिंग ऑन फ्राइडे ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी जिसमें डिस्कस किया गया था इस इशू को कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो है ट्राइलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज जो है जापान ऑस्ट्रेलिया US के बीच में, बे ऑफ बंगाल के बीच में इस साल के लेटर दिस ईयर वी आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड. वाइल नो डिसीजन वाज रीच, हालांकि अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, इस पे एक डिस्कशन ज़रूर हुआ था. इट अपीयर्स अ ग्रीन सिग्नल टू ऑस्ट्रेलिया कुड सून बी गिवन, मेकिंग इट द फर्स्ट टाइम सिंस 2007 दैट ऑल मेंबर्स ऑफ क्वाड विल पार्टिसिपेट इन अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल एम्ड ऑस्टेंसिबली एट चाइना. बेसिकली इस तरीके से क्वाड के सारे मेंबर्स का 2007 के बाद में पहली बार जो है ये एक ग्रीन सिग्नल होगा अगर जल्दी ही इस तरह की जो हमने नेवल एक्सरसाइज फॉर्म करने का जो एक तरीका अपनाया है या उसके लिए जो डिस्कशन किया है उसको देखते हुए जो है ये एक बहुत ही अच्छा मौका होगा जिस समय क्वाड के सभी मेंबर्स फिर से एक बार एकत्रित होंगे और जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स पर वर्क करेंगे. तो इससे जो है कहीं ना कहीं चाइना ज़रूर इफ़ेक्ट होगा, उससे काफ़ी इफ़ेक्ट्स उस पर देखने को मिलेंगे. तो ये पूरा आर्टिकल उसी पर बेस्ड है.
मॉडर्स्ट गेन का जो प्रोस्पेक्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या 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 पॉइंट, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स को यहाँ बताया गया है। चाइना को किस तरीके से कॉशियस होने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ बताई गई है। इसके अलावा और भी हमें कुछ विचारों को जो है बिल्कुल केयरफुली सोचने की, केयरफुली ले जाने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, मालाबार जो है एक्सरसाइज है उसी के बारे में ये आर्टिकल है, उस पर डिस्कस किया गया है क्वाड कंट्रीज़ का। इसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर के वो हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल बच जाता है जो आपको लगता है डाउटफुल है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस ऑन इट, डेफिनेटली वी विल गेट प्रॉपर यू नो आई कैन से आर्ग्यूमेंट। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को लेकर कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेरी है जो आप क्लियर करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप हमारी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है अचीव आई एस, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं, जिससे कि आपको और एडिशनल नॉलेज जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है डेली बेसिस पे, खूब सारे आर्टिकल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम और जो वेबसाइट है टेलीग्राम चैनल, इवन ऑन वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा आंसर राइटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। और अल्टीमेटली आई वांट टू से कि अभी रिसेंटली जो है इकोनॉमिक्स की जो है क्रैश कोर्स सीरीज स्टार्ट की थी, बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमें बीच में स्टॉप करना पड़ा था उसे, आज से वो कंटिन्यू होने वाली है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे जो आपके प्रिलिम्स को फोकस करेगी। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, डोंट फॉरगेट टू यू नो बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रीशियस कोर्स और प्रीशियस नॉलेज। बी देयर, आई विल बी देयर विथ यू, एंड डेफिनेटली वी विल गेट अ गुड stuff at all. Okay, so thanks for watching. Bye bye, take care, have a great time ahead.